तो आज दोस्तों अपन आए हैं सापना डैम ना, ये जो दिख रहा है ना, ये है सापना डैम। तो अभी आज वहीं चल रहे हैं अपन। ये तो यहाँ बीच में एक डैम पे जाने का रास्ता है, इसमें कीचड़ उचड़ है थोड़ा, इसलिए नहीं जा पाएंगे अपन। तो अपन बाय रोड जाते हैं और रास्ते में बताता हूँ मैं सापना डैम है ना, अच्छा है वहाँ का माहौल, दिखाता हूँ थोड़ा। ओके चलो आगे आगे चलते हैं। ये जो बाजू में दिख रहा है ये है वो डैम का, डैम की मतलब दीवार बोल सकते हैं इसको। जो बैतूल तरफ जाते हैं तो उस साइड में ये दीवार पड़ती है। इस पे पहले आगे लिखा है सापना जलाशय, अभी दिखाता हूँ। और ये लिखा है यहाँ सापना जलाशय, तो यहाँ लिख दिया है ताकि किसी को दिक्कत नहीं होगी भाई कौन सा जलाशय है। और देख ही रहे हैं गाय वाय कैसे ऊपर जा रही हैं। तो ये है सापना जलाशय, अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब ये रास्ता जो है सीधे ये जाता है, ये भोपाल वाली रोड है ना। और ये सुहागपुर जो दिख रहा है इसी गांव में अपने को जाना है। और अगर पीछे करके देखेंगे तो ये रोड फिर इधर वाला जाता है नागपुर। अब बढ़ते हैं आगे, कहाँ से मुड़ जाएंगे अपन। और अब ये रास्ता जाता है सीधे सापना जलाशय की तरफ। हाँ, ये सापना डैम का जाने का जो मुख्य द्वार है, यहाँ से हम अब आगे निकल गए। अरे डैम आ ही गया बस। ये सारे सागून के पेड़ लगे हैं, सरकार द्वारा लगाए गए। ये पहुँच रहे हैं ऊपर। ये आ गए हैं डैम पर अपन। अभी अब रात भर तो बहुत भयंकर पानी गिरा है यहाँ पे, दो तीन दिन से पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा था तो पानी भरपूर है। और ये वो रोड है वो उधर से जो आती है, जो मैंने बताया था कि इधर से आएंगे तो भी पहुँच सकते हैं अपन। और यहाँ पर शनि देव लग रहे हैं वो। हाँ, और ये मिले थे डैम में से, ये मूर्ति जो मिली थी डैम में से मिली थी, तो आप समझ सकते हो कि। और खंडित है मूर्ति। और इधर देख सकते हो गांव के बच्चे टोटल चिल कर रहे हैं। ये बिल्कुल देसी फन। कहाँ गए थे भैया, कहाँ गए थे, नहीं बात करते हैं। ये स्थिति है भी डैम की। बहुत भयंकर हवा चल रही है यहाँ पे और मौसम तो बहुत शानदार हो रहा है। पानी वानी भी बहुत खासा है। और ये जो मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर अपन जाएंगे अभी।
अब यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं अपन। नॉर्मल जनता यहीं तक आती है, पर इसके आगे भी एक छोटा सा ये बना है। और अगर आगे ये देखो, यहाँ पे लोग जानवर चराने भी जाते हैं, मतलब पशुओं को लेकर पहाड़ पे। तो किसी दिन पहाड़ पे भी जाएंगे अपन, पर अभी चलते हैं वो आगे वाले इस पे, वहाँ क्या है। अब बकरियों का कब्जा है अभी तो। और ये दिख रहा है थर्माकोल, ये नदी में ये सारा जाल डाल दिया गया है मछलियों के लिए। तो पूरी प्लानिंग हो गई है, ये देखो जाल, तो मछलियाँ हो जाएंगी कैप्चर। गर्मियों में यानी आप नीचे जाके यहाँ बैठ ही सकते हो, पर बरसात में देख रहे हो इंद्र देवता का कहर जब रहता है तो आदमी बैठ नहीं सकता। इंद्र देवता पानी गिरा गिरा के आदमी को तैरने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये दिख रहा है घड़ी का मंदिर, जो सुहागपुर में है ये मंदिर। और अभी अपन तापना पे हैं। और ये जो पानी दिख रहा है, ये जो पानी यहाँ से निकल रहा है, निकलते निकलते फिर वो सापना और सुहागपुर के बीच में एक छोटा सा पाठा बोलते हैं उसको, पाठा मतलब एक पुल ही है, वहाँ पे पानी निकलता है। अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो पुल के ऊपर से पानी बहता है, तो पब्लिक फिर इधर उधर नहीं जा पाती। अगर हुआ तो अपन वो भी देखेंगे। और अलग ही सुकून वाला है यहाँ कार्यक्रम भाई, कैसे बैठ जाऊँ कैसे नहीं। आने नहीं देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इधर उधर से जुगाड़ करके, जुगाड़ क्या, अब अपने तो मामा का ही घर है तो यहाँ थोड़ा सा हो ही जाते हैं। बाकी अगर आप कहीं शहर वहर से आ रहे हो तो थोड़ा कुछ जुगाड़ करके आना, वैसे नहीं आने मिलेगा, क्योंकि वो गेट लग जाता है, जिस मेन गेट से आए हैं ना अपन वो लग जाता है। तो अच्छा स्पॉट है घर के पास, यहाँ आके आप बढ़िया बारिश में पानी का, और वैसे गर्मी में आओ तो गर्मी में सूखा पड़ा रहता है, लेकिन तब भी थोड़ा हरियाली तो रहती है क्योंकि डैम है, तो आके आप थोड़ा अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो। और डैम के पास में ही लोगों की खेती बाड़ी भी है, तो जिसकी खेती यहाँ पे होगी इसका तो 24 घंटे और 12 महीने पानी मिलता होगा। जब ज़्यादा पानी आ जाता होगा तो फिर नुकसान भी तो झेलना पड़ता होगा। कंक्रीट रोड पार्ट 1, चलते हैं फिर। ये रोड जो सीधे जाता है वो जाता है रेस्ट हाउस में, तो अब यहाँ आपका रेस्ट हाउस कैसा है वो भी देख लो। ये एक और रोड है जो शायद कहीं और जाता है, ये रोड है जो रेस्ट हाउस जाएगा। ये बैठे हैं अपने साथ जितने भी लोग आए हैं। ये रास्ता फिर पता नहीं कहीं जाता होगा, जाके देखना पड़ेगा, बिना देखे ही समझ में आएगा।
ये है रेस्ट हाउस। अब इसके अंदर क्या व्यवस्था है क्या नहीं, ताले लगे हैं, कुछ नहीं पता। आप देखेंगे किसी और दिन रेस्ट हाउस में भी रात रख निकाल गए। और ये है पिकनिक स्पॉट, जहाँ पर आप आकर पिकनिक बना सकते हो, पर वो भी सरकार की मंजूरी से। यहाँ पे भी अभी काम चल रहा है, ये जो दिख रहा है ना ये सब बढ़िया पूरी फेंसिंग बन रही है। फेंसिंग बन जाएगी फिर यहाँ बैठने बैठने की व्यवस्था थोड़ी बहुत कर दी है, अभी और पता नहीं क्या प्लान है, लेकिन फेंसिंग होने वाली है इतना कंफर्म है। और पास से दिखाता हूँ जी, उधर एक बैठने वाला स्पॉट है, वहाँ चलते हैं। ये यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है थोड़ी सी, उतनी ज़्यादा साफ सफाई नहीं है अब धीरे धीरे, लेकिन सरकार कर रही है शायद, जैसे ऊपर काम वाम चल रहा है थोड़ा। अब इसको अपन उतना शिमला मनाली तो नहीं बना सकते, लेकिन इतना तो नॉर्मल रख ही रही है सरकार, धीरे धीरे हो जाए अच्छा तो घूमने फिरने के लिए अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर ये रोड है वो नीचे वाली जहाँ से आते हैं, और अब ये डैम के पास में एक मंदिर है, वो स्वाभाविक है डैम के पास में है, तो कुछ डैम जब बना होगा तभी बना होगा। तो अपन वो मंदिर पे चलते हैं, अभी स्कूटी जा सकती है वहाँ तक, इसलिए स्कूटी से पहुँच रहे हैं अपन। बहुत पुराना मंदिर होगा, दूर से ही दर्शन तो कर लें। अरे बजरंग बली का मंदिर है, जय बजरंग बली। और यहाँ से बजरंग बली के लिए ऐसा व्यू आता है, तो बजरंग बली करते हैं इसकी रक्षा। अब चलते हैं वापस। ये फिर आ जाता है सापना गांव, यहाँ पर गांव के बीच में से भी नहर चलती है। ये नहर से पानी मिलता है ठंड में, बरसात में गर्मियों में। और ये है स्कूल, यहाँ पढ़ते हैं गांव के बच्चे। और इधर से नर्सरी है, यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। बाल बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो टुडे, हैव अ गुड डे, नमस्कार।